वेलकम टू लेसन नंबर वन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग इन द कोर्स। आपने ये कोर्स खरीदा है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। इस कोर्स में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हो, सो पे क्लोज अटेंशन। आप ध्यान से वीडियोज को देखेगा, जरूरत पड़े तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेसन वन है। सबसे पहले आज का लेसन जो है हमारा, इसमें हम समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, एंड देन हम दूसरी चीज समझेंगे कि क्यों जरूरी होती है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, होती क्या है और क्यों जरूरी होती है। ये दोनों चीजें आप आज के लेसन में समझने वाले हो, ठीक है जी। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो जैसा आप नाम से ही समझ सकते हो, ईमेल मार्केटिंग इज आप मार्केटिंग कर रहे हो किसके जरिए, ईमेल के जरिए, ठीक है। और एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। आप में से बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जो कोर्स खरीदा है वो कैसे खरीदा है, आप लोगों को मैंने क्या डाली थी, एक ईमेल। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, बाकी लोग होंगे जिन्होंने एड से आके खरीदी है, बट आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्हें मैंने एक ईमेल भेजा, ठीक है। उस ईमेल में इस कोर्स का लिंक था, आपने इस लिंक को क्लिक किया और आपने कोर्स परचेज किया। तो मैं क्या कर रहा था, बेसिकली मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा था, है ना। मैं क्या मार्केट कर रहा था, मैं मार्केट कर रहा था अपना ईमेल मार्केटिंग का कोर्स। और कैसे मार्केट कर रहा था, मैं कर रहा था थ्रू ईमेल। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में ईमेल मार्केटिंग, राइट। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट, तो अगर आप उसका प्रचार, अगर आप उसकी मार्केटिंग किसके जरिए कर रहे हो, ईमेल के जरिए, तो उसे हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, वो आप ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, वो क्या है कि ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है भैया ईमेल मार्केटिंग आज के जमाने में। तो ध्यान से सुनो, देखो अभी क्या होता है, अभी देखो क्या होता है, मार्केटिंग के क्या तरीके हैं। एक आप कर सकते हो एसईओ, है ना। एसईओ में क्या करते हो आप अपने वेब पेज को गूगल पे क्या कराते हो, रैंक, और वहां से आपके पास क्या आता है, ट्रैफिक, ठीक है। आप एसईओ कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो पेड एड्स, है ना। आप पैसे से एड चला सकते हो, राइट। आप कैसे पेड एड्स कर सकते हो, आप फेसबुक एड्स कर सकते हो, है ना। आप फेसबुक को क्या दोगे, पैसे दोगे और उसके बदले में आप अपनी एड फेसबुक पे रन कर सकते हो। गूगल एड्स, आप गूगल को पैसे दोगे और इसके बदले में आप अपनी एड रन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे दोगे और उसके बदले में आप एड रन कर सकते हो। अब ध्यान से समझना, मान लो आपने किया एसईओ, बहुत बढ़िया भैया, आपकी वेबसाइट नंबर वन रैंक हो रही है। अब क्या हुआ, गूगल ने अपने एल्गोरिथम में क्या कर दिया, चेंज। एल्गो क्या हो गया जी, गूगल का चेंज हो गया। अब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट थी नंबर वन पे, अब धड़ाम से आ गई नंबर टेन पे। रातों रात बिजनेस क्या हो गया, बंद। एसईओ के केस में क्या है, आप पूरे के पूरे किस पे डिपेंड हो, गूगल के ऊपर। अगर गूगल ने कोई भी चेंज किया, खत्म, आपका बिजनेस बंद। बताओ क्या ऐसा बिजनेस चाहोगे जो गूगल एक एक्शन ले और बिजनेस हो जाए ठप, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ये कैसे हो सकता है, ये होगा अगर आप बस एसईओ पे डिपेंड हो। दूसरी चीज आ जाते हैं पेड एड्स, फेसबुक एड्स की बात करते हैं। फेसबुक पे आप एड्स कब तक चला सकते हो, जब तक आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो। चलो यहां तक तो बात ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, एड चल रही है। इसके अलावा फेसबुक की क्या होती रहती है, पॉलिसीज चेंज। अगर फेसबुक को लगेगा भैया आपकी वेबसाइट, आपका जो एड है वो अच्छा नहीं है, तो फेसबुक आपकी एड क्या कर देगा, बंद। प्लस फेसबुक आपका एड अकाउंट भी क्या कर सकता है, डीएक्टिवेट, क्लोज, शट डाउन। सेम चीज गूगल पे है, उन्हें अगर आपकी एड पसंद नहीं आई, अगर आप उनकी पॉलिसी वायलेट कर रहे हो, आपकी एड भी बंद हो सकती है, आपका एड अकाउंट भी बंद हो सकता है।
अगेन आप पैसे भी दे रहे हो बट फिर भी आप किस पे डिपेंड हो, फेसबुक पे, गूगल पे, है ना। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल में क्या किसी पे डिपेंड हो क्या? किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। सपोज करो आपके पास 20,000 लोगों का ईमेल है ना, आप इन्हें कभी भी मेल भेज सकते हो, किसी भी टाइम मेल भेज सकते हो, आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो, ना फेसबुक पे, गूगल पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। इन्हें कभी भी मेल भेजो, कितनी बार भी भेजो, आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। लिटरली आप हर ईमेल के साथ पैसे कमा सकते हो। कैसे हो सकता है काम? ये हो सकता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए। प्लस सारा कंट्रोल किसके पास है? सब कंट्रोल आपके पास है। ये 20,000 लोगों की ईमेल लिस्ट आपकी है, आप इन्हें मेल भेज सकते हो। इन 20,000 लोगों के ऊपर कंट्रोल किसी और प्लेटफॉर्म का नहीं है, फेसबुक का नहीं है, गूगल का नहीं है, किसी और का कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है। आप डिसाइड करोगे कि कब मेल भेजना है, कब नहीं भेजना, राइट। इसीलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया है कि ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, और है क्या। अब अगेन कल के लेसन से हम आगे की चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।